बेटे ने माँ को दिया धोखा, जहाँ अवैध तरीके से कागजात पर दस्तखत कर सारी अचल संपत्ति को किया अपने नाम। आपको बता दें कि मामला निरसा प्रखंड अंतर्गत पंडरा निवासी शुभरा तिवारी की है, जहाँ अपने दर्द भरी जुबान से मीडिया के सामने अपना दुखड़ा सुनाया। उन्होंने कहा, मेरे ही कोख में पले सगा बेटा देवर ज्योति तिवारी ने धोखे से मुझे एक कागजात पर दस्तखत करवा कर मेरी नाम की सारी चल अचल संपत्ति का मालिकाना हक अपने नाम करवा लिया है। जब भी मैं उनके पास उक्त कागज को दिखाने या देने की बात करती तो वह मेरी बातों को आनाकानी करते थे। फिर मुझे पता चला कि मैं अपने ही बेटे के पास धोखे का शिकार हो चुकी हूँ। कैंसिल करवाए हैं और मैं तो माँ हूँ, कुपुत्र हो सकता है, लेकिन मैं तो तीनों बच्चों में मेरा जो भी प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद रहेगा, तीनों बच्चों बराबर हिस्सा में हम देना चाहती हूँ। किसी के साथ मैं कोई धोखा नहीं करना चाहती हूँ। वहीं दूसरी ओर उन्होंने धनबाद न्यायालय से गुहार लगाते हुए कहीं, मेरा 3 संतान है, 1 बेटी और 2 बेटे, और मेरे आवर्तमान में मेरा संपत्ति का मालिकाना हक तीनों का बराबर होनी चाहिए। देवर ज्योति तिवारी के द्वारा बनाया गया मालिकाना हक की कागजात को मैं अवैध बता रही हूं, कारण उनके द्वारा धोखे से बनाया गया, और साथ ही सभी जनता से यह अपील करती हूं कि देवर ज्योति तिवारी के मालिकाना हक का कागजात पर भरोसा कर उक्त संपत्ति की खरीद बिक्री न करें, अन्यथा आप लोग भी धोखे का शिकार हो सकते हैं। मैं शुभ्रा तिवारी, उम्र 72 साल, पति स्वर्गीय डॉक्टर रमेश चंद्र तिवारी, निरसा थाना पांड्रा के परमानेंट निवासी हूँ। मैं, मेरा 3 बच्चे हैं, लड़की बड़ी है अनिंदिता तिवारी बंदोपाध्याय, मैरिड है, बड़ा बेटा देवज्योति तिवारी, छोटा बेटा देवराज कुमार। मैं कुछ दिन से बीमार थी, शुरू से ही मैं अपने छोटे बेटा के साथ रहती हूँ। दो तीन महीना पहले मेरा तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण हम बड़ा बेटा श्री देवज्योति तिवारी के साथ रहने के लिए मेरे ही बनाया हुआ मकान के दूसरे हिस्से पे उसके पास रहने गई। 10-15 दिन रहने के बाद वो एक डॉक्यूमेंट हमको पढ़ के सुनाया, जिसमें वो सुनाया कुछ धोखे से उस पेपर को चेंज करके मेरे सारे संपत्ति, घर मकान, चल अचल संपत्ति जितना भी है सब कुछ अपने नाम पर करवा लिया। और जो पेपर वो मुझे पढ़ के सुनाया था वो चेंज करके दूसरे पेपर पे वो हमसे दस्तखत करवाया। अभी 1 हफ्ता पहले इनका जो गैंग के कुछ आदमी के द्वारा हमको सूचना मिली ये सारी बातें 1 हफ्ता पहले मुझे सूचना मिली, तब मैं सक्रिय हो गई। तो लड़का जब दस्तखत करवाया था हम उससे वो पेपर का एक कॉपी मांगे थे, लेकिन वो आज देंगे कल देंगे, वो पेपर का फोटोकॉपी हमको दिया नहीं, ओरिजिनल भी मेरे हाथ से छीन लिया था 10-15 दिन के बाद। पहले का जो कभी लिखित रूप से जो मेरे हमसे दस्तखत लिया उसको अवैध माना जाए, और ये हम सभी नागरिक से ये एक सूचना देना चाहती हूँ, जो कभी अपने बच्चों को लोग अंधविश्वास नहीं करें, क्योंकि किसी के साथ कभी भी धोखा हो सकता है, मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर हमारे सहयोगी ने शुभ्रा तिवारी के बड़े बेटे देवर ज्योति तिवारी से वार्ता की, जहां उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को बेबुनियाद एवं निराधार बताया। उन्होंने कहा, मेरी माँ बहकावे में आकर मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। देखिए, पहले तो हम स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहेंगे आप लोगों के थ्रू, जो मेरी माँ जिस तरह का आरोप लगाई है ये हमको अच्छी तरह पता है, जो शायद कहीं ना कहीं से वो किसी ना किसी दबाव में ये इस काम को वो कर रही है, क्योंकि विगत कुछ दिनों पहले भी इस तरह का बहुत तरह का घटना घर में घट चुका है। अगर मेरी माँ मेरे ऊपर आरोप ये लगा रही है कि हम उनसे सादे कागज में साइन करवा दिए हैं,
तो 2017 में भी एक बार मेरे खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र हुआ था, जहां मेरी माँ ने पेपर में ये खुलेआम नोटिस निकाला था कि देवज्योति तिवारी रमेश चंद्र तिवारी का जो बड़ा बेटा है उसको हम बेदखल कर रहे हैं अपने चल और अचल संपत्ति से। इसके बाद भी उन्होंने मानवाधिकार आयोग में भी एक दो जगह आवेदन देके हमको घर से बाहर निकालने की बात कही। दोनों जगह वो कामयाब इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हम भारतीय हैं और भारत के संविधान के आधार पर जहाँ पर हमें ये पितृ प्रधान देश है भारतवर्ष, यहाँ पिता का अधिकार होता है पुत्र को तेजी पुत्र करने का, वो भी उस समय जब पुत्र गलत संगत में लिप्त हो। मेरे खिलाफ कहीं भी कोई कानूनी दस्तावेज निकाल कर दिखा दिया जाए जो हम किसी भी तरह का किसी क्रिमिनल ऑफेंस में इन्वॉल्व हैं, हम कभी इस माहौल में नहीं रहते, हम पढ़ाई लिखाई के माहौल में रहें या कहीं से अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं, नेटवर्किंग का काम हम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी का वेस्ट जो काम रहता है वो सब हम करते हैं जिससे लीगली पैसा आ सके, उससे अपने परिवार को चला रहे हैं। अगर मेरी माँ का ये कहना है स्टेटमेंट जो हम उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाएं तो 2017 में वो हमको अवांछित साबित करती हैं और फिर वही पुत्र उनसे ज़बरदस्ती कैसे साइन करवा सकता है, क्योंकि कोई भी दस्तावेज सादे कागज में साइन नहीं करना चाहिए, ये कानून व्यवस्था या टीवी के माध्यम से हमेशा सूचित किया जाता है। और वो इतनी शिक्षित जरूर है, वो यूनिवर्सिटी मगध यूनिवर्सिटी से रिटायर हुई हैं, वो एक शिक्षित महिला हैं, उनको पता है जो किस कागज में कब और कहाँ साइन